फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज कविता, सेकेंड ईयर ऑफ MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जब भी हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो कौन से कॉलेज को ऊपर रखें, कौन से कॉलेज को नीचे रखें या हम किस प्रायोरिटीज़ में रखें। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज में होते हैं बच्चे। मेरे टाइम पे भी मुझे काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हुई थी। सो अगर उस टाइम मुझे कोई गाइड कर देता तो मेरे लिए बहुत सही रहता। और एक्चुअली स्पेशली हमारे स्टेट की बात करूँ, बिहार की, तो हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, आपको पहले एक बार ही चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग करते वक्त कोई भी माइनर या मेजर मिस्टेक कर दी तो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आपको कोई कॉलेज मिलने वाला था वो आपको नहीं मिल पाया बिकॉज आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं। जो गलतियाँ वो मेरे कुछ फ्रेंड के साथ भी हुई थी और बहुत सारे मेरे जूनियर्स जो 21 बैच के उनके साथ भी हुई थी। और इस वजह से उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद उन्हें उनका डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल सका बिकॉज उन्होंने चॉइस फिलिंग सही से नहीं भरी थी, प्रायोरिटीज वाइज नहीं फिल की। वीडियो में बेसिकली मैं यही बताऊंगी कि आपको किस प्रायोरिटीज वाइज चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, स्पेशली हमारे स्टेट के लिए, बिहार स्टेट के लिए कौन कौन से कॉलेजेस किस प्रायोरिटीज वाइज करनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जिसको आप मद्देनजर रखते हुए चॉइस फिलिंग करें। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है फ्रेंड्स कि आपका कोई सा भी रैंक हो बट आपको जो कॉलेज चाहिए आप सबसे पहले उसको टॉप में ही भरेंगे, फिर चाहे वो आपके हिसाब से आपको वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बट आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसको टॉप नंबर पे ही भरेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये है कि अगर आपका कोई प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेजेस का, तो ऐसे में आप चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो भी टॉप नंबर के कॉलेज उनको टॉप में भरेंगे और जो लोअर वाले कॉलेज उनको लोअर में भरेंगे, यानी कि जितने भी रैंकिंग है रैंकिंग वाइज आप कॉलेज को फिल कर दें। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे मार्क्स या हमारे रैंक पे तो ये कॉलेज हमें अलॉट ही नहीं होगा, बट वी डोंट नो ना कि लक क्या होती है और हमें कभी कभी वो कॉलेज मिल भी सकता है। तो ऐसे में अगर हमने प्रायोरिटीज वाइज नहीं भरी तो हमारी मिस्टेक हो सकती है। सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे प्रेफरेंस वाइज आपको चॉइस फिलिंग के टाइम भरना चाहिए। तो एक्चुअली जो मैं ये प्रेफरेंस वाइज बता रही हूँ उसमें मैं सिर्फ बिहार गवर्नमेंट की, मतलब जो बिहार स्टेट के अंदर कॉलेजेस आते हैं उनको मैं इंक्लूड कर रही हूँ, ना कि जो सेंट्रली गवर्नमेंट कॉलेज हैं जैसे कि हमारे एम्स पटना हो गया और ESIC बेटा हो गया, तो मैं इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप इसको जैसे भी भरना चाहें भरें। अब मैं बिहार स्टेट की कॉलेजेस का चॉइस प्रेफरेंस बताने जा रही हूँ, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, इन दोनों नंबर पे आप PMCH या फिर IGIMS फिल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये दोनों कॉलेज PMCH और IGIMS बेस्ट कॉलेजेस ऑफ बिहार में आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है हर पैमाने में, अगर आप देखेंगे स्टडीज़ के बेसिस पे देखना चाहेंगे आप, फैसिलिटीज़ के बेसिस पे कितने सारे डिपार्टमेंट, तो दोनों ही इक्वल पैमाने पे आते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप PMCH को पहले भरना चाहते हैं या IGIMS को। अगर कई लोगों की मतलब पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है ये सब, तो इन चीज़ों के लिए आप IGIMS को प्रेफर ना करके आप PMCH में भर सकते हैं जहाँ पे फीस थोड़ी कम लगती है। बट अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो, तो आप IGIMS को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी पहले और दूसरे पे आप PMCH जो IGIMS इन दोनों में से कोई भी भर सकते हैं, जो आप पे डिपेंड करता है। तीसरे और चौथे नंबर पे आप NMCH नहीं तो DMCH भर सकते हैं। फ्रेंड्स, NMCH और DMCH दोनों ही बराबर लेवल के हैं। एज DMCH की अगर मैं बात करूँ तो DMCH जो है वो काफ़ी पुराना है, NMCH उससे थोड़ा नया ही बना है। बट अगर मान लो जैसे किसी का घर हो DMCH में, मान लो वो दरभंगा का रहने वाला हो, तो NMCH और DMCH में उसे चूज करना हो कि थर्ड नंबर पे किसे रखे, तो आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को ही रखें। बट अगर किसी को पटना के कॉलेजेस लेने का मन हो तो, और वो सोच रहा हो कि मैं कैसे रखूँ, तो आप NMCH को रखें। सो दोनों ही सेम लेवल के कॉलेजेस हैं, या तो आप तीसरे नंबर पे NMCH रख सकते हैं या फिर DMCH, डिपेंडिंग अपॉन यू कि अगर आप दरभंगा के आसपास रहने वाले हैं तो आप DMCH भरें, और अगर आपको पटना के कॉलेजेस चाहिए तो आप NMCH को फिल करें। फिर पांचवें नंबर पे आपको भागलपुर कॉलेज भरना है, ठीक है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को आपको पांचवें नंबर पे भरना है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। नंबर और सातवें नंबर पे, यानी छठवें और सातवें नंबर पे आप मुजफ्फरपुर और गया इन दोनों में से दोनों ही भर सकते हैं। या तो अगर आप मुजफ्फर, तो क्योंकि दोनों की अगर मैं पढ़ाई के बारे में या फिर फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो दोनों ही अपने अपने तरीके से दोनों ही बराबर लेवल पे आते हैं, दोनों ही पुराने हैं और दोनों में ही बहुत अच्छी पढ़ाई और फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन यू, अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं या उसके आसपास के हो तो आप मुजफ्फरपुर भर सकते हैं, अगर आप गया के हैं या गया के आसपास है तो आप गया भी भर सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी भर सकते हैं छठवें और सातवें पोजिशन पर।
अगर मैं आठवीं पोजीशन की बात करूं तो विम्स पावापुरी को आपको भरना चाहिए। अब एक्चुअली कुछ सालों में ये देखा गया है कि विम्स पावापुरी का जो क्रेज है बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल फैसिलिटीज विच इज़ प्रेजेंट है। सो आजकल लोग गया को भी पीछे रखकर विम्स पावापुरी पहले प्रेफर करते हैं। तो आप सोच कर भर सकते हैं कि अगर आपको फैसिलिटीज़ बहुत सारी अच्छी अच्छी चाहिए या फिर, तो आप विम्स पावापुरी को आठवें नंबर पर भरिए। वैसे छठवें और सातवें नंबर पे आपको मुजफ्फरपुर और गया भरना, और उसके बाद विम्स पावापुरी। फिर नौवें नंबर पे आपको बेतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भरना है। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है और यहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जो नॉर्थ बिहार के होते हैं, तो बेतिया अगर कॉलेज वो भरेंगे तो उनके लिए वो पास पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है, पढ़ाई भी अच्छी अच्छी होने लगे, नए नए बिल्डिंग्स भी अब वहाँ पे बन गए हैं, तो आप बेतिया ले सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको मधेपुरा मेडिकल कॉलेज को अप्लाई करना है, दैट इज JKTMCH। सो मधेपुरा आपको लास्ट में बनना है। मधेपुरा की एक स्पेशलिटी है कि नया रिसेंटली बना है, तो वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ या जितने भी बिल्डिंग्स हैं, ये सारे लैब्स वो बहुत नए नए हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको फाइनली पूरा बता देती हूँ। तो सबसे पहले और दूसरे नंबर पर आपको PMCH नहीं तो IGMS बनना है, डिपेंडिंग अपॉन यू फाइनेंशियल थिंग्स। ओके, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो आप IGMS भी पहले नंबर पर भर सकते हो, अदरवाइज आप पहले नंबर पर PMCH भरो। तीसरे और चौथे पायदान पे आपको NMCH नहीं तो DMCH बनना है। DMCH अगर आप दरभंगा के रहने वाले हो तो आप DMCH भर सकते हो, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉलेज है। नहीं तो अगर आपको पटना के कॉलेजेस चाहिए तो आप NMCH प्रेफर करो। उसके बाद पांचवें नंबर पे आपको भागलपुर पढ़ना है, भागलपुर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद छठवें और सातवें पायदान पे आप मुजफ्फरपुर या फिर गया भर सकते हो। तो मुजफ्फरपुर और गया में इक्वली है, मतलब दोनों में सेम थिंग, फैसिलिटीज भी सेम है और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पढ़ाई भी सेम होती है। तो अगर आप गया के आसपास के रहने वाले तो आप गया फिल कर दो, नहीं तो मुजफ्फरपुर फिल कर सकते हो अगर आप मुजफ्फरपुर के हो। उसके बाद आठवें नंबर पे पावापुरी, विम्स पावापुरी आपको भरना है। सो विम्स पावापुरी के लिए मैंने कहा पहले ही कि स्टूडेंट्स में बहुत क्रेज हो गया, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज, लिंक्स, हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सारी बहुत अच्छी प्रोवाइड है। तो आप आठवें नंबर पे विम्स पावापुरी भी पढ़ सकते हो। मैंने तो कहीं रिसेंटली देखा था, मेरी कुछ फ्रेंड्स लोगों ने गया को भी पीछे रखकर विम्स पावापुरी को पहले रखा था। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि अगर आपको विम्स पावापुरी लेना है तो आप विम्स पावापुरी को सातवें नंबर पे कर दो और गया को आठवें नंबर पे कर दो। उसके बाद हम आते हैं नौवें नंबर पे। तो नौवें नंबर पे आपको बेतिया फिल करना है। बेतिया सारे रिसेंटली नए नए बिल्डिंग्स और हॉस्टल डेवलप हो गए, तो नौवें नंबर पे आपको बेतिया बनना है। दसवें नंबर पे आपको मधेपुरा बनना है, क्योंकि मधेपुरा दो तीन साल पहले ही शुरू हुआ है, बट वहाँ पे बिल्डिंग फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, अब तक का बेस्ट है, क्योंकि वो न्यू रिसेंटली बना है। तो आपको दसवें नंबर पे मधेपुरा बनना। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको कॉलेज प्रेफरेंस वाइज कैसे भरना है वो सारी डिटेल्स बता दी। आई होप आपको बहुत मदद मिल जाएगी इस वीडियो से, क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत कम गाइड करने वाले थे मुझे, और जूनियर्स लोग भी इस चॉइस फिलिंग के प्रेफरेंस को उल्टा उल्टा करने की वजह से उनको डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाया। सो मैंने जो भी चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस बताया उसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एज इन कोई अगर गया का रहने वाला हो या फिर कोई विम्स नालंदा का रहने वाला हो, तो वो नालंदा को अगर उसे टॉप पे चाहिए तो फिर वो टॉप पे उसको रख सकता है, रेस्पेक्टिव PMCH IGMS, या फिर PMCH IGMS NMCH, इनके बाद वो विम्स पावापुरी का रख सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, जो भी कॉलेज है उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो, और अगर कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है तो मैंने जो प्रेफरेंस आपको बताया उस हिसाब से आप फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। मार्क्स आते हुए कई लोगों को क्या होता है, उनका कॉलेज डिजर्विंग कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और मदद मिल गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।